नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है व्हाई टू एजुकेट, शिक्षा क्यों, एजुकेशन की जरूरत क्यों है। ये उस समाज के लिए है, उन लोगों के लिए है जो शिक्षा को महत्व कम देते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो पैसे तो कमाते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को, घर के मेंबर्स को, उनको शिक्षित करने को उतना महत्व नहीं देते। उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि हम कैसे बचत करें, बैंक बैलेंस करेंगे, हो सकता है कि वो ढेर सारी प्रॉपर्टी बना के रखें, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे तो ये तो वो कहावत है कि आपने कमा के रख लिया और किया कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन का बहुत अच्छा सा डायलॉग है कि पुत कपूत तुका धन संचय, पुत सपूत तुका धन संचय। अर्थात अगर बेटा आपका सपूत है तो धन संचय की जरूरत नहीं है, और अगर आपका बेटा कपूत है अर्थात उसको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षित नहीं है, तो आपके धन संचय से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। बहुत प्राचीन समय से लोग कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से व्यक्ति को विनय प्राप्त होता है, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपना काम करना चाहिए ये पता चलता है। साथ ही विद्या प्राप्त करने से व्यक्ति को ये भी पता चलता है कि वो अन्य लोगों को कैसे मार्गदर्शन करें। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो वो अपने बेटे का एडमिशन या नामांकन किसी अच्छे विद्यालय में बिल्कुल नहीं करा पाएगा, वो लोगों से सलाह लेगा। और अगर शिक्षित है तो निश्चित है कि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का प्रोग्रेस, उन्नति जरूर देख लेगा। अब आप सोच लीजिए कि विद्या कितना इंपॉर्टेंट है। अब रहा सवाल कि किसको एजुकेट करें और किसको नहीं। जमाने से परंपरा रही है कि महिलाएं और पुरुष बराबर के भागीदार रहे हैं हर एक काम में। फिर हम पुत्र को ही नहीं, पुत्री को भी शिक्षित करें, उसको भी शिक्षा दें, उसको भी पढ़ाएं, उसको भी आगे बढ़ने का मौका दें। और ये एक ऐसा रास्ता है, शिक्षा एकमात्र ऐसा रास्ता है जो समाज में समानता लाने का सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हमें सबको समानता का जो अधिकार दे रखा है, संविधान ने हमें जो समानता का अधिकार दिया है, उसमें शिक्षा सबसे बड़ा सहयोग प्रदान कर सकता है। बहुत से साथी हैं जो शिक्षित तो हैं लेकिन उन्हें संविधान का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। हम कह सकते हैं कि अगर उसे ज्ञान है पूरी तरह से संविधान का, या वो शिक्षित है, तो वो अपने बचाव में, समाज के बचाव में जरूर कुछ न कुछ कर सकता है। इसलिए हमने टॉपिक लिया व्हाई टू एजुकेट, क्यों शिक्षित करें। प्रौढ़ शिक्षा भी चलाया गया था, बड़े बुजुर्ग भी सीख सकते हैं और महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों ने बाद में सीख करके और अपने उन लक्ष्यों को पूरा किया है जो अपनी युवा अवस्था में नहीं कर पाए। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें, खुद को भी शिक्षित करें, प्रतिदिन उनके दिनचर्या का ध्यान रखें, उनको पढ़ने जाने के लिए प्रेरित करें, विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करें, उनके कार्यों को देखें और स्वयं भी एक बेहतर एग्जाम्पल प्रस्तुत करें ताकि आपका बच्चा या समाज आपका अनुसरण कर सके। मुझे लगता है कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है ये आप जरूर जान जाएंगे। अगर शिक्षित, किसी शिक्षित व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके बातचीत के ढंग से पता चल जाता है कि वो मैनर्ड व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। और
और समाज में रोजी रोटी पाने के लिए शिक्षा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, चाहे वो बिजनेस करे, नौकरी करे, या फिर कोई नौकरी करे, बिजनेस करे, कुछ भी कर सकता है। शिक्षित है तो प्रत्येक काम वो सही ढंग से करेगा, भरसक सही ढंग से करेगा, किंतु अशिक्षित व्यक्ति कदापि सही नहीं कर सकता, उससे कोई न कोई त्रुटि संभव है। अतः स्वयं भी शिक्षा ग्रहण करें और अपने छोटे भाई बहन या पुत्र और पुत्रियों को विद्यालय भेजें, शिक्षित करें। इन सब बातों के साथ हम यही विराम लेते हैं। अगर आपको वीडियो आए, पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।